नमस्कार। माँ की पाकशाला में आप सभी को स्वागत है। मैं माया देवी अजनर रेसिपी लेकर आई हूँ, मटर छीमी के दाल। मटर छीमी के दाल कैसे बनता है तो आज आप लोगों को मैं बताऊँगी। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी मनोबल बढ़ते रहे, नई नई वीडियो लेकर आप लोगों के सामने मैं आती रहूँ। तो चलिए तो मैं दिखाती हूँ कि मटर छीमी के दाल बनाने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले चाहिए मुझे मटर। तो ये मटर है, देखिए इस मटर को छीलकर मैं यहाँ रख लिया हूँ। तो हम आधा के जी मटर लिए हैं 500 ग्राम, और हम ये लहसुन का पोट लिए हैं, 3 लहसुन का पोट लिए हैं जो कि हरे पत्ते का लहसुन है, उसको हम काट करके रख लिए हैं। ये देखिए 2 हरी मिर्च लिए हैं, चुटकी भर हींग लिए हैं आधी चम्मच छोटी चम्मच से, 1 चम्मच लिए हैं जीरा काली मिर्च, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी लिए हैं, नमक स्वाद अनुसार। इतने से हम मटर छीमी का दाल बनाएंगे। तो सबसे पहले है मटर छीमी को कच्चे सिलबट्टे पर पीस लेती हूँ मैं। तो चलिए तो मैं पीसना शुरू करती हूँ। तो ये जो लहसुन मिर्ची है इसको पहले मैं पीस लेती हूँ, इसके बाद में ये मटर छीमी को पीसूंगी। पीसना है बहुत आसानी से, इसकी दाल जल्दी बन जाती है और बहुत क्रिस्पी बनती है। ये इस सीजन में ही मिलता है तो सीजन में इस दाल को खाना चाहिए। और इस रेसिपी से ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा। ये देखिए कि मटर छीमी के भी थोड़े थोड़े पीस लिए हम। हरी पत्ते के लहसुन और हरी मिर्च इसलिए लिए हैं कि हमारी मटर छीमी जो है हरी है, जिसमें हरे पत्ते के लिए आप चाहे तो पोट वाला भी लहसुन डाल सकती हैं, सूखी मिर्ची भी आप डाल सकती हैं, लेकिन हमने हरे पत्ते के लिए हैं। जब आप हमारे पास था हम ले लिए हैं, आपके पास नहीं है तो आप पोट वाला लहसुन ले सकती हैं, सूखी मिर्ची ले सकती हैं। हम इसी तरह से थोड़ी थोड़ी करके मटर छीमी को पीसेंगे। हमें दरदरा पीसना है, हमें ज़्यादा नहीं बारीक नहीं पीसना है। ये देखिए हम दरदरा पीस रही हैं। इसी तरह से सारे मटर छीमियों को हम पीस लेंगे। हम सारे छीमियों को पीस लिए, ये देखिए बढ़िया पीसा है। तो हम दरदरा पीसे हैं, देखिए इसी तरह पीसना है। दाल तो बहुत कुछ खाई होंगी, आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर बनाकर देखिएगा। इसका दाल कितना स्वादिष्ट कितना टेस्टी लगता है इस तरह आप बनाएंगे तब। तो आप मिक्सी जार में भी पीस सकते हैं, हम मिक्सी जार में नहीं पीसे, हम सिलबट्टे पर पीसे हैं। चलिए तो अब मैं दाल को पीस लिया हूँ छीमी को, अब चलती हूँ चूल्हे पे बनाने के लिए। ये देखिए पीसकर मैं रख लिया है एक कटोरी में। तो चलिए मैं चलती हूँ चूल्हे पर। तो ये जो दाल मैं पीस कर रखी हूँ कुकर में डाल देती हूँ, जिसमें सारे मसाले को भी मैं डाल देती हूँ। हींग जीरा और सूखी मिर्च तड़का लगाने के लिए मैं रखी हूँ, बाकी ये हल्दी मिर्ची और जीरा काली मिर्च इस मसाले को मैं इसी में मिला दूँगी। सारे मसाले को एक साथ मिला देती हूँ। अब इसमें मैं पानी को डाल देती हूँ। अब मैं नमक डाल देती हूँ। नमक स्वाद अनुसार अपना डालें, मैं अपने स्वाद के अनुसार मैं नमक डाल रही हूँ। और ये कछू से चला देती हूँ, क्योंकि हम जब हमारा ये दाल गर्म हो जाएगा तब मैं चलाऊँगी। तो ये जो हल्दी मसाले डाली हूँ ये भुट्टी भुट्टी हो जाता है। अब मैं एक कटोरी और पानी डालूँगी। पानी ऊपर से ना डालें, पानी उतना डालें कि हमारी दाल बनकर तैयार हो जाए। हमारी इसका दाल गाढ़ी बनती है। मैं एक कटोरी और मैं एक छोटी कटोरी से डालू एक बड़ी कटोरी से डालू, मैं 2.5 कटोरी में पानी डाल रही हूँ। तो हमने पानी डाल दिया, अब इसको मैं चूल्हे पर बैठा देती हूँ। क्योंकि चूल्हे पर बैठाने के इसको 3 सीटी लगाएंगे, इसको हम पका लेंगे। तो ये देखिए हमारा दाल बन चुका है। अब मैं खोल के चेक करती हूँ हमारा दाल हुआ कि नहीं, कैसा हुआ है। तो ये हमारा देखिए कितना बढ़िया मेरा दाल गल चुका है। देखिए हमारा बिल्कुल गाढ़ी दाल बनी हुई है। ये देखिए हमारी कितनी बढ़िया गाढ़ी दाल बनी हुई है। तो हमें इसी तरह का दाल चाहिए। ये देखिए कितना बढ़िया दाल गल चुकी है मेरा। तो हमने 3 सीटी लगा के ये दाल को गलाए हैं, तो ज़्यादा देर नहीं लगता है दाल गलने में। चलती हूँ मैं तड़का लगाने के लिए। चूल्हा को जला लिए, अब इस पर एक कलछुल रखते हैं, तो धीमी कर देती। अब इसमें मैं डालूंगी सरसों के तेल। मैं सरसों के तेल डालती हूँ।
देखिए सरसों का तेल हमने डाल दिया, ज़्यादा मैं नहीं डालूंगी, एक चम्मच सरसों का तेल डालूंगी बड़े चम्मच से, मैं अंदाज से डालूंगी चम्मच से। अब मैं जीरे को इसमें डालती हूँ, जीरा को मैं डाल देती हूँ इसमें तड़के के लिए। अब मैं हींग को भी डाल देती हूँ, सूखी मिर्ची दो टुकड़े में करूंगी, इसको तड़के को चटकने देती हूँ जीरे को। अब ये जो सूखी मिर्ची है इसको भी मैं डाल देती हूँ। अब ये मैं जीरा चटक चुका, अब इसमें मैं लगा दिया। मैं चलती हूँ परोसने के लिए। तो ये लीजिए गर्मा गर्म मटर छीमी के दाल बनकर तैयार हो गया। तो इस दाल के चावल में खाइए, पराठे में खाइए, रोटी में खाइए, किसी भी चीज़ के साथ ही खाइएगा तो दाल ही बहुत स्वादिष्ट लगता है खाने में। इस रेसिपी को ज़रूर आप बनाइएगा और मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और फिर मिलती हूँ अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।